बाढ़ की वजह से कई नाले हो गए हैं ब्लॉक। सूरजपुर डैम से आ रहे नाले को खुलवाने के लिए एसडीएम कालका को दिया ज्ञापन पत्र। कालका हलके के पिंजौर के रजीपुर सूरजपुर के निवासी नौशाद, रिंकू, हरून, अनीश, शानू, इब्राट, मोंटू, ईशु की शिकायत पर आम आदमी पार्टी ने उनका साथ देते हुए उपमंडलाधीश से वार्तालाप की और इस आपदा की घड़ी में कई नाले ब्लॉक हो चुके हैं और बंद पड़े हैं, जिसके कारण गंदा पानी कॉलोनी वासियों के घरों में घुस रहा है। इसमें जंगली विषैले जीव, बिच्छू, मेंढक, सांप भी होते हैं, जिससे लोगों के डर बना हुआ है और लोग डर जैसा जीवन भी व्यतीत कर रहे हैं। इसके अलावा स्थानीय निवासी मक्खन सिंह ने बताया कि डैम की तरफ से आ रहे नाले को किसी के द्वारा आगे से बंद कर दिया गया है, जिस कारण नाले का सारा पानी नालियों से होते हुए कॉलोनियों में आ रहा है और सैकड़ों लोगों के घरों में कई कई फुट पानी भरा हुआ है। सोमवार को आप पार्टी के वरिष्ठ नेता मक्खन सिंह ने बताया कि अगर इस नाले को पहले की तरह सीधा कर दिया जाए तो कॉलोनी वासियों के सैकड़ों मकान पानी भरने की समस्या से बच जाएंगे। इस पर एसडीएम कालका ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई के आदेश दिए और जल्द इस समस्या के समाधान का आश्वासन भी दिया। इस मौके पर यहाँ हरप्रीत सिंह, नवीन चौहान, प्रवीण कुमार, मक्खन सिंह, कमलदेव, मंजीत सिंह कहलो, दीपक जानलीवाला, जस कमल सिंह व अन्य मौजूद रहे। सर, हमारी आपसे प्रार्थना है कि ये जो नाला है इसका पीछे डैम है, तो डैम से सारा पानी हमारी कॉलोनी में आ रहा है, तो जिस कारण हमारे गांव के छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग बहुत ही परेशान है। ये सारी 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 रात डर के मारे सो नहीं पाते, क्योंकि पहले भी कुछ मकान गिर चुके हैं, जान माल का बहुत नुकसान हो चुका है और ये कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। ये सामने नदी है, यहाँ से कुछ 100-150 मीटर या 200 मीटर होगी। अगर आप इस नाले को सीधा वहाँ नदी में गिरवा दें तो कॉलोनी वासियों की बहुत सी प्रॉब्लमें सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि लोगों के अंदर एक भय का माहौल बना हुआ है, रात रात भर सो नहीं पा रहे। और एक दूसरा फायदा इसका यह है, इस पर अगर आप 50,000 रुपये भी लगा देंगे तो आप जो कॉलोनी वासियों को करोड़ों रुपया मकान गिरने का या दीवारें गिरने का मुआवजा दे रहे हैं, सरकार का वो भी खर्चा बच जाएगा, क्योंकि इस एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से इतने लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। तो आपसे हमारी प्रार्थना है कि कृपया इसको थोड़ा सा दिशा की गंभीरता को जानते हुए इस पर उचित कार्रवाई की जाए।